आप सांसद मालीवाल का देर रात मेडिकल हुआ, केजरीवाल के पीए विभव पर उनसे मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज, आज महिला आयोग ने तलब किया। मारपीट मामले में शिकायत दर्ज करने के बाद गुरुवार रात करीब 11 बजे दिल्ली पुलिस आप सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर एम्स पहुंची। मेडिकल होने के बाद मालीवाल तड़के 3:15 पर एम्स से निकली और 3:30 बजे अपने घर पहुंची। दिल्ली पुलिस हमले के समय वहां मौजूद पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों की जांच करने और उनके बयान दर्ज करने के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री के घर जा सकती हैं। पुलिस ने उस कंपनी को भी तलब किया है जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर सीसीटीवी लगाए हैं। केजरीवाल के घर के बाहर 8 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। घटना से संबंधित सभी सीसीटीवी फुटेज की पुलिस जांच करेगी। महिला आयोग ने विभव को तलब किया। वहीं मारपीट के आरोपी और सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के घर सिविल लाइन्स थाने की एक टीम को भेजा गया। हालांकि वे अभी पंजाब में हैं, उनके दिल्ली लौटते ही पुलिस उनसे भी पूछताछ करेगी। उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लेते हेतु गुरुवार सुबह समन भेजा था। विभव को आज आयोग के सामने पेश होना है। घटना 13 मई को हुई थी। इसके 3 दिन बाद गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस की एक टीम स्वाति के घर पहुंची और उनका बयान दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने 354 छेड़छाड़, 323 मारपीट, 506 जान से मारने की धमकी, 509 अभद्र कमेंट करने के तहत मामला दर्ज कर दिया। पूरे मामले की जांच कर रही है, जिनमें से 4 टीमें आरोपी केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक विभव कुमार पंजाब में है। पहले स्वाति के साथ बदसलूकी के केस को समझिए। 13 मई की सुबह 9:30 बजे दिल्ली के सीएम आवास से सुबह 9:34 पर दिल्ली के सीएम आवास से पुलिस के पास एक फोन आया। कॉलर ने सिर्फ एक लाइन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया, हमें सुबह 9:30 बजे एक पीसीआर कॉल मिली। कॉल करने वाले ने कहा कि उसके साथ सीएम आवास के अंदर मारपीट की गई है। उसके बाद लोकल पुलिस और एसएचओ ने कॉल का जवाब दिया। कुछ समय बाद सांसद स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स आई। हालांकि इस मामले में उनकी ओर से उस समय कोई शिकायत नहीं दी गई। 14 मई को संजय सिंह ने कबूल किया कि मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल के साथ अभद्रता हुई। उन्होंने मीडिया से कहा, 13 मई को बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई। सुबह अरविंद केजरीवाल से मिलने स्वाति मालीवाल उनके आवास पहुंची थी। ड्राइंग रूम में केजरीवाल का इंतजार कर रही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।